इंडिया और यूके के साथ, इंडिया और यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत है वो कहा जा रहा है कि फाइनल फेज में है। दिवाली तक, जो अभी अगले ही महीने है, तब तक कहा जा रहा है कि इसको, इसके फाइनल फेज को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब देखिए, सवाल उठता है कि जो फ्री ट्रेड टॉक्स हैं, उसमें पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें मेनली व्यापार को किस तरीके से बढ़ाया जाए, ट्रेड को दो देशों के बीच में कैसे बढ़ाया जाए, तो उसमें लेकर जो है दोनों देश आपस में बातचीत करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पर दोनों देश सहमति बनाते हैं कि हम टैरिफ को, जो देखिए कोई भी प्रोडक्ट किसी दूसरी की टेरिटरी में जाता है तो उस पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं, आयात और निर्यात कर, कस्टम ड्यूटीज जिसे हम कई बार कहते हैं, तो उसको कम किया जाए ताकि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है, व्यापार है, उसको सुगम बनाया जा सके, उसको ईजी बनाया जा सके। अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। कई बार हम इसके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं कि देखिए, इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, इसको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो इसीलिए हम FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो कि यूके के पास है। वैसे अगर देखा जाए तो यूके के पास हमारा ही पैसा है, बट चलिए कोई बात नहीं, कुल मिला के वो इन्वेस्टमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सारे के सारे FTA टॉक्स में। अब इसमें एक और पॉइंट है, इस इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में बांग्लादेश को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है या होने वाली है, या बांग्लादेश में काफी ज्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो नहीं चाहते, या कह लीजिए वो इससे काफी ज्यादा परेशान है। अब आप पूछेंगे, सर इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बांग्लादेश कहां से आ गया, तो देख लेते हैं एक बार इसको भी। मिनमोटिव गोरो लोगों को महंगी चाय कैसे भेजी जाए, अच्छा ठीक है। तो यहां पर बांग्लादेश का क्या रोल है, देखिए बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश को अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले हमने न्यूज पढ़ी थी और इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा हुई थी कि बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का एक स्टेटस मिला हुआ है। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDC, डेवलपिंग कंट्रीज, इसके लिए अलग अलग टैरिफ कोटाज रखे गए। टैरिफ कोटा का मतलब आप ये समझ लीजिए कि इतना परसेंट जो सामान है, मान लीजिए आप क्लोथ्स की बात करते हैं, कपड़ों की बात करते हैं, कि क्लोथ्स हमने इंपोर्ट किए, तो कुछ परसेंटेज फिक्स किया गया है लीस्ट डेवलप कंट्री से। तो कई देशों ने इस चीज को प्रोटेस्ट किया कि चाइना डेवलपिंग कंट्री में चल रहा है अभी भी, चाइना जिसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी हो चुकी है, जो कि हाई इनकम इकोनॉमीज में आना शुरू हो चुका है, जिसकी पर कैपिटा इनकम लगभग $8,000 जो है प्रति व्यक्ति से ज्यादा है, और भारत की लगभग 1700 के लगभग है, सो इंडिया से लगभग 5 गुना ज्यादा है, और वो अभी भी डेवलपिंग उसमें चल रहा है। सिमिलरली बांग्लादेश, जो जिसकी पर कैपिटा इनकम लगभग भारत के बराबर आ चुकी है, या कहें स्लाइटली भारत से ज्यादा है, वो अभी भी लीस्ट डेवलप कंट्री में चल रहा है। तो इसके चलते क्या हो रहा था, इनको 0 ड्यूटी पे करनी पड़ रही थी, ठीक है, और इनका जो एक्सपोर्ट था बांग्लादेश का, कल हमने ये भी पढ़ा कि बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट में 83% उनका रेडीमेड गारमेंट्स का है, ठीक है, कपड़े का है, जो कह लीजिए रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, रेडीमेड कपड़े जो होते हैं, और उसमें वो एक्सपोर्ट करता है यूके को लगभग $3.17 बिलियन के कपड़े, और हम करते हैं $1.12 बिलियन। अच्छा, अब इंडिया और बांग्लादेश कह सकते हैं इसमें कॉम्पिटिटर है कि किसका कपड़ा जाएगा वहां पर। अब अगर इंडिया और यूके के बीच में ये FTA साइन होता है तो डेफिनेटली इसमें आपका जो क्लोथ सेक्टर है, जो एक गारमेंट्स हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इसमें भी कह लीजिए टैक्सेस, हमने 9.4% टैक्स फॉर अप्रैल एक्सपोर्ट, इतना हमने टैक्स पे किया है, तो उस पर कमी आएगी। ऑब्वियसली जो भारत के एक्सपोर्टर्स होंगे या भारत का जो रेडीमेड कपड़ा है, देखिए समय बदल रहा है, पहले हम इंपोर्टेड गुड मंगवाते थे ब्रिटेन से, अब हम बेचेंगे, अभी भी बेच रहे हैं, अब और ज्यादा बेचेंगे, तो अब ये जो कपड़ा है ये ज्यादा जाएगा। अब बांग्लादेश को ये है कि भारत के कपड़े की कॉम्पिटिटिवनेस, या कहें जो कॉम्पिटिशन है, बढ़ेगा और इनका एक्सपोर्ट कम होगा। तो इसलिए सीधा सीधा कह सकते हैं कि इंडिया और यूके के FTA होने से बांग्लादेश को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है या होने वाली है। सो मेजर एक्सपोर्ट आइटम इंक्लूड मशीनरी, एपरल्स,
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, नेचुरल एंड कल्चर्ड पर्ल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट। ठीक है जी, चलिए। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट मेनली टेक्सटाइल ड्रिवन है, कल की भी न्यूज थी बिल्कुल, तो उसी न्यूज से रिलेटेड आज की ये न्यूज भी है कि किस तरीके से इंडिया और यूके का एफटीए बांग्लादेश को प्रभावित कर सकता है। ठीक है जी, आई होप आपको ये सिनेरियो समझ आ गया है, बैकग्राउंड समझ आ गया कि इंडिया यूके एफटीए में बीच में बांग्लादेश का क्या रोल है। ठीक है जी,